इस एक्शन से भरी धमाके का वीडियो में मैं खुला से करने जा रहा हूँ टॉप 20 मार्शल आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड और बिदू जमुल सर की मार्शल आर्ट रैंकिंग को प्रमोट कर दिया गया है और आप काफी चौक जाइएगा उनकी मार्शल आर्ट रैंकिंग क्या है इस साल की। साथ ही साथ टाइगर श्रॉफ अक्सर कुमार बड़े बड़े एक्टर्स की वर्ल्ड वाइड मार्शल आर्ट रैंकिंग पता करने वाले हैं यानी कि जबरा मार्शल आर्ट्स को फैन हो तो इस वीडियो को देखना है पूरा का पूरा एंड आपको कमेंट करना है आपके फेवरेट मार्शल आर्टिस्ट का नाम कमेंट बॉक्स में। जल्दी दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं लाइक का बटन दबाना। बेहतरीन अमेरिकन मार्शल आर्टिस्ट हैं, जिन्हें हम बचपन से ही मार्शल आर्ट जैसी आकर्षक फिल्मों में देखते आ रहे हैं। चाओ यन फैन सभी वन ऑफ द मोस्ट लव्ड मार्शल आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैं और ये सब आप वाकई फिल्मों में उनकी सक्सेस लिस्ट नंबर 16 से आप सारी फिल्म इंडस्ट्रीज में काम कर चुके हैं यानी कि जॉनी डाइनोइन जिन्होंने बचपन से ही मार्शल आर्ट एंड कराटे कुंफू परफॉर्म करते आ रहे हैं वो भी 4 साल की उम्र से ही जिन्होंने ब्लैक बेल्ट तक जीती हुई है जो कि बन चुके हैं वर्ल्ड वाइड टॉप 15 मार्शल आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और आप भी है टाइगर श्रॉफ के फैन तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में टाइगर श्रॉफ जरूर से लिखना एंड सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और बगल वाले बेल आइकन पे ऑल कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए अल्टीमेट वीडियो हम आपसे लाते जा रहे हैं। जॉन क्लाउड वैन डेर जिन्होंने हॉलीवुड में मार्शल आर्ट्स को एक अलग पहचान दिलाई एक सुपर बल एक खतरनाक एक्शन मूवी में अपने मार्शल आर्ट्स के जरिए जीत चुके हैं और एक वक्त में ये टॉप मार्शल आर्टिस्ट की किताब से भी नवाजे जा चुके हैं। एशियन एक्शन सुपरस्टार जिन्होंने हॉलीवुड तक में अपने आप मार्शल आर्ट्स के जरिए दिखा चुके हैं जो कि ढांसू एक्शन फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। जिनको फिल्में देख देख कर हम बड़े हुए हैं जिनकी सीरीज ब्लेड वर्ल्ड वाइड फेमस है यानी कि मैं बात कर रहा हूँ वेस्ली स्नाइप्स जिन्होंने 12 साल की उम्र से ही मार्शल आर्ट्स परफॉर्म करना शुरू कर दिया था ब्लैक बेल्ट चैंपियन रह चुके हैं जिनके एक्शन से ज्यादा इनके कॉमेडी स्टाइल पूरे दुनिया भर में मशहूर है। स्टीफन चाओ यानी कि कुंफू हसल या फिर साउलिन सर्कल के धाकड़ हीरो जिनकी फिल्में हम शौक से देखते हैं इनके मार्शल आर्ट एक्शन फाइट में भी कॉमेडी का तड़ाका देखने को मिलता है जो अपने इंस्पिरेशन दूसरी सर को मानते हैं। आप भी है स्टीफन चाओ के फैन तो यार वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में स्टीफन चाओ जरूर से मार्शल आर्टिस्ट सामो होंग जो कि हांगकांग के बहुत ही बेहतरीन एक्शन सुपरस्टार हैं अगर ईप मैन 2 मूवी देखी होगी तो वाकिफ हो कितने औसम फाइटर हैं ये आज द एज ऑफ मार्शल आर्ट से ज्यादा इनकी बॉक्सिंग पूरी दुनिया भर में फेमस है एक से बढ़कर एक धांसू फिल्म जो अपनी फिल्मों में डेली एक्शन परफॉर्म करते हैं रियल बॉडी के साथ सिक्स आर्ट्स के साथ नजर आते हैं। माइकल जो व्हाइट के फैन तो यार वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखो क्योंकि स्कॉट एटकिंस डीप मैन 4 मूवी में
14 साल की उम्र से ही मार्शल आर्ट परफॉर्म कर रहे हैं। दमदार थाईलैंड के एक्शन सुपरस्टार है, हर कोई है इनसे वाकिफ। एंड ये खासकर फेमस है अपनी दमदार एक्शन फाइट एंड मार्शल आर्ट्स के लिए। और आप भी टोनी जा के फैन, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में टोनी जा जरूर से लिखिएगा। छठे नंबर पर है टोनी जा, नॉट सेवन, ठीक है। और दोस्तों अब आ चुके हैं हम सब टॉप फाइव के अंदर टोनी जा, जो कि वन ऑफ द फेवरेट मार्शल आर्टिस्ट है मेरे। ईप मैन जैसी इतनी बड़ी सीरीज को इन्होंने पूरी दुनिया के सामने लाया। ब्रूसली के गुरु ईप मैन की कहानी, जो कि एट द एज ऑफ 57 में भी एक्सट्रीम बॉडी के साथ नजर आते हैं। एक से बढ़कर एक इम्पॉसिबल एक्शन एंड इनके लिए है पॉसिबल ट्रैवल को हैंड टू हैंड फाइटिंग करना या फिर तलवारबाजी करना, और विंचन में तो इन्हें कोई नहीं हरा सकता। और आप ये टोनी नियन देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में टोनी नियन जरूर लिखना। दोस्तों तक को हराने की क्षमता रखते हैं, वो भी अपने तलवारबाजी के हुनर के दम के साथ, यानी कि समझ ही गए होंगे द स्वर्ड वॉरियर जेटली। जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है हॉलीवुड में मार्शल आर्ट्स में फेमस किया है। एट द एज ऑफ 50 ईयर ऑब्वियसली भी एक से एक एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। और अब आज के दोस्तों टॉप 3 में, और अभी भी आपको वीडियो चैनल से एक्शन किंग या फिर कहो पार्कोर किंग जैकी चैन, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस मार्शल आर्टिस्ट है, चाहे वो इंडियन सिनेमा चाहे वो हॉलीवुड बॉलीवुड, हर एक फिल्म इंडस्ट्रीज में ये काम कर चुके हैं। एक से बढ़कर एक एक्शन एंड स्टंट को खुद परफॉर्म करने से पीछे नहीं हटते। और आप भी अब सभी की तरह जैकी चैन के फैन, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जैकी चैन जरूर से। वर्ल्ड वाइड मार्शल आर्ट रैंकिंग पर नंबर 6 पोजीशन पर, और हाल ही में ही टॉप मार्शल आर्ट रैंकिंग में विकी जामुनशन को एक अलग पहचान मिली। एंड पूरी दुनिया भर में कलारी पयाटू को उन्होंने फेमस किया, और तब जाकर के उनकी मेहनत रंग लाई और पूरी दुनिया में उनकी मार्शल आर्ट रैंकिंग हो चुकी है सेकेंड नंबर 1 एक्शन परफॉर्मर ऑफ बॉलीवुड। ऐसे ऐसे एक्शन स्टंट परफॉर्म करते हैं कि दूसरे एक्टर सोच कर नहीं सकते। सेकेंड मार्शल आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड। और आओ फिर दोस्तों वीडियो जब तक सबके फैन वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में फेवरेट मार्शल आर्टिस्ट और एक्टिंग वन से हमें बताने वाला तक फायदा भी नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में ही उनके सभी को अलविदा कह गए, जो कि 30 साल 40 साल पहले वो परफॉर्म कर चुके हैं। और वी के एक्टर्स भी उन्हें की नहीं कर पाते, इसे अंदाजा लगा दीजिए कि वन इंच पंच हो वन थम कुछ सब हो पता नहीं, अब इधर रिकॉर्ड्स वो बना के जा चुके हैं जो कि अभी भी है अनब्रेकेबल।